वायदा बाजार में अगर ग्वार की कीमतों पर नजर डाली जाए तो पिछले कुछ दिनों से ग्वार की कीमतों में निचले स्तर दिखने के बाद अब कुछ तेजी बनी है। जानकारों के अनुसार ग्वार की कीमतों में ये तेजी अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है। बात की जाए अगर हाजिर बाजारों की, तो हाजिर में ग्वार की जो आवक देखने को मिल रही है उसकी क्वालिटी सही नहीं बताई जा रही है। ग्वार की आवक मंडियों में जो देखने को मिल रही है वह दागी बताई जा रही है। वहीं ग्वार का उत्पादन इस बार पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा बताया जा रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। कुछ माल किसानों और व्यापारियों ने भी स्टॉक किया हुआ है, जो इसको तभी बेचेंगे जब उन्हें उनके मुताबिक अच्छा भाव मिलेगा। ऐसे में ग्वार के फंडामेंटल्स कुल मिलाकर मजबूत ही दिखाई पड़ते हैं। हालांकि वायदा बाजारों में ग्वार में ज्यादा सट्टेबाजी के चलते कीमतों में जोरदार उछाल भी आया था, फिर वहां से मुनाफा वसूली भी बनी थी। वहीं अब वर्तमान में NCDEX पर ग्वार की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी लौटी है। इस खरीदारी पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि ग्वार की कीमतों में ये तेजी अभी कुछ दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है। उनके मुताबिक अभी आने वाले दिनों में ग्वार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी बनते दिखाई देगी, जो कि ग्वार सीड की कीमतों को नीचे में 6000 तक लेके जा सकती है। वहीं ग्वार गम में भी कीमतें मुनाफा वसूली के बाद 10,850 से लेकर 10,900 तक जाती नजर आ सकती है। लेकिन अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम और ग्वार सीड में निचले स्तर से खरीदारी भी जरूर लौटेगी, जो ग्वार गम की कीमतों को 11,550 और ग्वार सीड की कीमतों को 6280 तक लेकर जाएगी। अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में निचले स्तरों पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV.